देखना, अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने हैं। जीन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और इसमें भी जो इंट्राजेनिक है वहां से बनेंगे। जीन इंटरेक्शन हमको दो बातें पढ़नी होती है, एक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और एक आपका इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरजेनिक, इंटर मतलब बिटवीन, इसका मतलब वहां पर दो अलग अलग जीन्स के इंटरेक्शन की बात करेंगे, और इंट्रा मतलब विद इन, इसका मतलब है एक ही जीन के बीच में इंटरेक्शन कैसे बोल सकते हो आप। इंट्रा मतलब विद इन वन जीन, इसका मतलब है एक जीन की जो एलेलिक फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्शन करके एक फिनोटाइप दे रही होंगी, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राजेनिक। तो जब इंट्राजेनिक होगा तो एक जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा, और जब इंटरजेनिक होगा तो इसका मतलब बिटवीन टू जीन्स, तो वहां डाईहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे, वहां आपको रीड करना होगा, फ्लो चार्ट दिया जाएगा, फ्लो चार्ट को समझना होगा, और इंट्राजेनिक के क्वेश्चन सीधे सीधे थ्योरेटिकल आएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा। तो पहले खत्म करेंगे जो सिंपलेस्ट है, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। इसमें हमको दो इंट्रैक्शन पढ़ने हैं, कौन कौन से वो हम जानते हैं। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, इन दोनों की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात यह होती है, आप एक बार मुझे बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कोई भी एक स्टूडेंट बताना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फिनोटाइप रेशियो 3:1 में पीटी लिख रहा हूँ, फिनोटाइप रेशियो सबको याद है, और जीनोटाइप रेशियो 1:1 होता है, मैं जीटी लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब है दोनों अलग अलग आते हैं जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड। इन दोनों में खास बात ये होती है, क्योंकि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है, तो ये मैंने लिख दिया इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसके अंदर हमने दो एग्जांपल पढ़ने थे तो वो हमने हाईलाइट कर दिए। इन दोनों में खास बात ये है कि यहां पर ये दोनों रेशियो सेम हो जाते हैं, कौन कौन से, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। बताना होगा क्या आएगा फिर, दैट इज यहां पर ये रेशियो दोनों का सेम आता है 1:1। इतना एक बार लिखना, फिर एक एक करके दोनों को डील करते हैं। इंट्रा ध्यान रखना, इंट्रा मतलब विद इन, इसका मतलब एक ही जीन है, इसका मतलब है एक ही जीन है तो उसकी एलेलिक फॉर्म तो अलग अलग हो सकती हैं, तो उनके एलेलिक फॉर्म के बीच में इंटरेक्शन की बात करेंगे। हेलो सर, ये मोनोहाइब्रिड के रिस्पेक्ट में होगा ना, मतलब ये दोनों चीजें? हाँ बिल्कुल, ये मोनोहाइब्रिड, इंट्राजेनिक मतलब विद इन वन जीन, तो विद इन वन जीन का जो क्रॉस, एक ही जीन में जो क्रॉस बनेगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, मोनोहाइब्रिड के रिस्पेक्ट में होगा, बैक टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहली हेडिंग बनाओ इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पानी भर के ना गया, कौन है देखना, सेल्फ म्यूट करो, अदरवाइज फिर मुझे करना पड़ जाएगा।
तो हेडिंग लिख लो पहली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखना बिल्कुल वैसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा हमने पढ़ा है वैसे ही आगे चलेंगे। सपोज करो यहाँ पर आपका पेरेंटल क्रॉस हमने पी लिया, यहाँ पर जो पेरेंट वन है वो आपका रेड है, तो प्योर फॉर्म पे आप जानते हो एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो हमेशा जीनोटाइप, आप जानते हो जीनोटाइप हम हमेशा प्योर फॉर्म पे लिखते हैं क्योंकि एक ही क्रोमोजोम की दोनों कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा पेरेंट हमने इसके रिस्पेक्ट में अगर व्हाइट ले लिया, व्हाइट फ्लावर के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हमने उसको आर आर ले लिया, तो पेरेंट क्रॉस तो ऑलवेज प्योर पे रखते हैं हम, तो हमने प्योर फॉर्म पे रखा। अब आपको पता है कि हमेशा गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बनते समय पेयर्ड फॉर्म अलग हो जाती है, तो यहां से जो टाइप ऑफ गैमेट्स बनेगा वो कैपिटल आर बनेगा और यहां से जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल आर बनेगा। यही तो बनने वाला है गैमेट। नंबर कितने भी बनेंगे वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि हम ये जानते हैं जितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे उतने ही ज्यादा कॉम्बिनेशन अगली प्रोजेनी में आएंगे, इसलिए हमेशा हमें टाइप ऑफ गैमेट्स पे ज्यादा फोकस करना होता है ना कि नंबर पर। तो यहां पर जितने भी गैमेट्स बनेंगे एक ही टाइप के बन रहे हैं दोनों इंडिविजुअल में, दैट मीन्स पहले में कैपिटल आर और दूसरे में स्मॉल आर। अब हमारा अगला कंसर्न यही होता है कि गैमेट्स फ्यूज करते हैं और F1 जनरेशन आती है, तो ये गैमेट्स फ्यूज करा दिए और यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, ये कहलाएगी आपकी F1 जनरेशन। अब मुझे बताओ अगर ये नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस अगर होता तो नॉर्मल मेंडेलिज्म के अकॉर्डिंग हम जानते हैं यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता, याद आ रहा होगा आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने यही बोला था F1 हेटरोजाइगोटिक कंडीशन में अगर एक ही जीन की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं तो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म अपना एक्सप्रेशन देती है, तो डोमिनेंट फॉर्म का एक्सप्रेशन अगर होता तो यहाँ पर बताओ क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, लेकिन पता चला यहाँ रेड नहीं आया, यहाँ रेड ना आके पिंक आ गया, तो इसका मतलब है F1 हेटरोजाइगोट यहाँ पर F1 हेटरोजाइगोट मेंडल के अकॉर्डिंग अगर होता तो रेड आना चाहिए था लेकिन यहाँ पिंक आया, इसका मतलब कुछ तो बदला है, मेंडल से चीजें हटके आ रही हैं। अब आप देखो अब क्या करेंगे, F1 की सेल्फिंग करेंगे, बिल्कुल यही तो होता है जब आपको F2 में ले जाना है तो चीजें तो फिक्स हैं, तो अब हम F1 की सेल्फिंग करेंगे और F1 की सेल्फिंग करने का मतलब ये हुआ जो जीनोटाइप आया है वही जीनोटाइप उसी जीनोटाइप के साथ दूसरे पेरेंट से क्रॉस करेगा। आपको पता है कैसे करते हैं, अब हम आगे हम बोलते हैं ये एलीली कॉम्बिनेशन अलग अलग के साथ फ्यूज करेंगे, तो पहले वाले का पहला एलील उधर के पहले के साथ फ्यूज करा दो कैपिटल आर आर, इधर का पहला उधर के दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर का दूसरा इधर के पहले के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर का दूसरा इधर के दूसरे के साथ। तो अब एक बार अगर इनका फिनोटाइप, ये तो क्या आ गए हमारे पास जीनोटाइप, अब इनके फिनोटाइप अगर लिखो तो ये वाला जीनोटाइप तो एग्जैक्टली प्योर की तरह है तो ये तो रेड आ रहा है पिंक, और ये वाला लास्ट वाला क्या होगा प्योर फॉर्म पे रिसेसिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका व्हाइट आ जाएगा। क्या मेंडल से रिजल्ट बदल गए, मेंडल के केस में आप देखो पहली चीज तो यहां पर बदल गया है, ये चीजें बदल गई है, मेंडल के केस में ये क्या आने चाहिए थे रेड आने चाहिए थे बट ये क्या आ रहे हैं पिंक आ रहे हैं। अब आप एक बार F2 के रिजल्ट को देखो क्योंकि हमेशा रिजल्ट F2 के चाहिए,
नंबर वन रिजल्ट फिनोटिपिक रेशियो। क्या फिनोटिपिक रेशियो बदल गया? एक तो आपको रेड मिल रहा है वन, फिर आपको पिंक मिल रहे हैं दो, फिर आपको व्हाइट मिल रहा है एक। रेड पिंक व्हाइट वन टू वन। दूसरा जीनोटाइप रेशियो तो वही आया है, जीनोटाइप तो सेम ही आए हैं। जीनोटिपिक रेशियो ये तो वन, पहला आर आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के नंबर दो हैं, फिर स्मॉल आर का नंबर एक है। क्या दोनों सेम आ गए? यही तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ क्या आते हैं? सेम आते हैं। इतना एक बार बनाओ, फिर करते हैं इसको एक्सप्लेन। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, आपने एग्जाम्पल कोट किया है इसका एमएससी के टाइम पे। मिराबिलिस जिलाबा 4 o'clock प्लांट के फ्लावर में। यस सर। एग्जाम्पल सीन इन मिराबिलिस जलापा, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। फैमिली बताना बॉटनी वाले इसकी। हरीश अगर आप सुन रहे हो तो बताओ। हाँ सर, ये रोज प्लांट्स में भी हो सकता है ना? देखो अभी तक तो जो वेल रिपोर्टेड है वो है, हो तो कहीं पे भी सकता है बिल्कुल। तो वेल रिपोर्टेड केस इसका क्या है? मिराबिलिस जलापा है। बिकॉज हमने जब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कॉलेज में, तो उसमें हमने रेड रोज पेटल्स और वाइट रोज पेटल्स हमने मतलब साथ में लेके लैब कंडीशंस में नॉट एनवायरमेंटली वी फ्यूज देम एंड देन वी ग्रोड इट। आफ्टर 4 to 3 मंथ्स जब प्लांट बना पूरा अच्छे से, तो वी सॉ अ लाइट रेड फ्लावर। नहीं देखो, F1 के रिजल्ट से तो आप कंक्लूड कर ही नहीं सकते, आपको कहाँ जाना होगा। फिर जो आपका लाइट फ्लावर, लाइट रेड फ्लावर वाला जो प्लांट था उसको फर्दर सेल्फिंग करानी थी। उसके बाद जब F2 के इसीलिए क्लियर करने के लिए पूछा डाउट अपना। हाँ तो आपको कभी भी आप F1 से रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते, आपका F1 का रिजल्ट 100% श्योरिटी नहीं देगा। ठीक है, तो ऑलवेज कोई भी रिजल्ट जो श्योरिटी देंगे वो F2 में देंगे। अगर F2 में ऐसा रेशियो आ रहा होता कि रेड भी आ रहे, पिंक भी आ रहे, व्हाइट भी आ रहे, तब आप डेफिनेटली बोलते कि हाँ वो एग्जांपल इसका हो रहा होगा। सर इसकी फैमिली नेक्टागिनेसी होगी। हाँ इसकी फैमिली बिल्कुल नेक्टागिनेसी होगी। तो फैमिली लिख लेना नेक्टागिनेसी। सर स्नैपड्रैगन भी तो हो सकता है ना इसका एग्जांपल? हाँ वो भी है। ठीक है, तो अब देखो डिफाइन कैसे करना है आपको, यहाँ पर कैसे बोलोगे आप जो डिफरेंस नजर आ रहा है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको F1 पे दिख रहा है और F1 आपका कंक्लूड कर रहा है F2 में। तो आप पहले तो मेंडेलिज्म को डिफाइन करो। मेंडेलिज्म को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे हमेशा F1 हेटरोजाइगोटिक कंडीशन में अगर एक जीन की दोनों फॉर्म अवेलेबल हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि हमेशा ऑलवेज डोमिनेंट फॉर्म अपना पूरा एक्सप्रेशन देती है और उसके बेसिस पर आपका क्या आता है, फिनोटाइप आता है। तो ये तो था मेंडल, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई आना चाहिए था रेड लेकिन आया पिंक। तो अब आप क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं मेंडल से हटके एक्सटेंशन हुआ है या एक्सेप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन यहाँ पे फील आ रहा है।
तो आप बोलोगे एक ऐसी कंडीशन जब एफ वन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में डोमिनेंट एलील जो कैपिटल आर है उसका एक्सप्रेशन पूरा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में आप बोल रहे डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन पूरा नहीं आ रहा है, तो बीच की एक इंटरमीडिएट कंडीशन आपको मिल रही है, ना रेड मिल रहा है ना व्हाइट मिल रहा है, बीच का एक प्रोडक्ट आपको पिंक मिल रहा है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा होगा।